मट्टी वाला और लकड़ी से बना हुआ कच्चा घर। पर जो कह रहा है सारे का मैं टूर करवाऊंगा आपको। ये चक्कर है जी, ये इधर आग जलाते हैं और जो धुआं होता है वो ये पाइप पकड़ के बाहर चला जाता है। 25 आदमी होके उन्होंने इस लकड़ को उठा के इस घर की छत पे रखा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। तो आज आपका भाई मौजूद है बिल्कुल देसी कच्चे घर में और फुल देसी सा माहौल है भाई कश्मीर का। इंशाल्लाह आपको चेक करवाएंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम था, मैं व्लॉग स्टार्ट करें ना। ये चेक करें, हमारा देसी सा नाश्ता आ चुका है। अनिल भाई ले आए, ये बने हुए हैं पराठे अंडे देसी। ये भाई इधर की एक स्पेशल देसी सब्जी है, इसको लिंगड़ी बोलते हैं, उसका साग सा बना हुआ है। और बाकी अनिल भाई कैमरा टर्न करके दिखाएं जिधर हम बैठे हुए हैं इस वक्त, इस जगह को चेक करें जी। माशाल्लाह देसी मौज। और ये हमारी खिदमत कर रहे हैं साजिद साहब। ये साजिद बहुत शर्माते हैं ये सामने सामने। अभी नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको इस पूरे कच्चे घर का टूर करवाएंगे, पूरा कच्चा घर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। अनिल भाई हमारे नाश्ता करते हुए, अंडे पराठे चाय और सारा कुछ चल रहा है भाई, देसी सा नाश्ता है। मैंने नाश्ता कर लिया, बस ये चाय रह गई है, इसको पीते हैं फिर आपको इंशाल्लाह। ये कच्चा घर है, खाली यही नहीं है बल्कि इसके ऊपर भी जो मेन घर है ना, मैं आपको उसका भी टूर करवाऊंगा। इस घर को सिर्फ मैं कच्चा घर नहीं कहूँगा बल्कि मट्टी वाला और लकड़ी से बना हुआ कच्चा घर ये कहूँगा मैं इंशाल्लाह, और आपको इसका पूरा टूर करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी नाश्ता कर लिया है, आपको पहले नंबर पे व्यू चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह व्यू चेक करें, ये ऊपर जो घर है इस सारे का मैं टूर करवाऊंगा आपको। व्यू चेक करें, क्लाउड्स चेक करें आसमान पे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। ये चेक करें भाई कितना खूबसूरत एरिया है। बाकी इस घर का टूर भी आपको करवाएंगे और वो जो ऊपर है उसका टूर भी इंशाल्लाह अज़्ज़ाला आपको थोड़ी देर में करवाते हैं। बस चलें जी अभी आपको इस घर का मुकम्मल टूर करवाता हूँ। सबसे पहले ये गेट है इसका, लकड़ी का बना हुआ, इसको ओपन करते हैं बिस्मिल्लाह करके। ये ओपन हो गया जी। सबसे पहले आपको मुलाकात करवाता हूँ, ये हैं इस घर के ऑनर जिन्होंने इस घर को बनाया था आज से 40 साल पहले अपने वाले साहब के साथ। उस वक्त इनकी एज थी 20 साल और अभी इनकी एज है 60 साल। उस वक्त ये सब घर इन्होंने बनाया था, पूरा घर। ऊपर जो मेन घर है वहाँ पे इनकी जवानी का कारनामा भी आपको दिखाएंगे। जो 20 बंदों ने काम किया था, आज के 100 बंदे भी होके वो काम नहीं कर सकते। जितनी वजनी लकड़ इन्होंने उठा के भाई उधर ऊपर रखी हुई है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको। अभी आए मैं आपको अंदर का टूर करवाता हूँ इस घर का। ये सबसे पहले चेक करें खिड़की, पुराने जमाने की बनी हुई लकड़ी की खिड़की। अनिल भाई करीब लाए इसको, ये इसके ऊपर डिजाइनिंग चेक करें जो हुई हुई है, ये चेक करें भाई। और बड़ी ही मजे की, बड़ी पायदार किस्म की, आज 40 साल पहले जो चीज लगी थी वो अभी तक है। मैं इसको अंदर से ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें जी, ये एक खिड़की है, एक विंडो है। आजकल हम एल्युमिनियम की यूज करते हैं, वो पीवीसी उसके यूज करते हैं, लेकिन जो इसका स्वाद है ना भाई, वो कोई भी जदीद टेक्नोलॉजी इन चीजों का मुकाबला नहीं कर सकती। यकीन जाने इधर इतनी सर्दी थी और रात को जैसे ही हम ये कच्चे घर के अंदर आए ना, बिल्कुल पुरसकून माहौल हो गया था। अनिल अंदर ले आए अभी इधर आ जाए अंदर। ये है भाई बेडरूम, ये लगी हुई है चारपाई। पुराने जमाने में चारपाइयां इस्तेमाल होती थी, पंजाबी में लोग इसको मंजी भी कहते हैं, हम लोग खट कहते हैं इसको हमारी जुबान में। और ये कमरा बना हुआ है, इसकी छत देखें, इस पर लकड़ियां लगी हुई हैं फुल बाय फुल, और ऊपर भी लकड़ियां हैं, फिर इसके ऊपर मट्टी है। छत का जो व्यू है ना, जो सीन है मेन, वो मैं इंशाल्लाह आपको ऊपर से दिखाऊंगा। बाकी ये इस रूम का माहौल है, वो अलमारी बनी हुई है उस कोने में, बड़ी खूबसूरत सी किस्म की। ये हमारे साईं साहब लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं इधर, बड़े फिट किस्म के, ग्रेट आदमी है। और ये साथ दूसरे रूम की इसकी पार्टीशन हुई हुई है। अभी मैं आपको दूसरा रूम विजिट करवाता हूँ साथ वाला। तो ये है भाई दूसरा रूम बना हुआ, जो कि है तो छोटा लेकिन बड़ा फिट किस्म का रूम है, मेरा फेवरेट रूम है। इसमें ये चीज चेक करें आप, ये बनी हुई है भाई अंगीठी, इधर जलाते हैं आग सर्दियां इधर, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज्यादा स्नो होती है, बर्फ होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है सही लेवल की। तो इधर आग जलाते हैं और जो धुआं होता है वो ये पाइप पकड़ के बाहर चला जाता है, और जिसकी वजह से ना ये कमरा बड़ा गर्म गर्म रहता है। पार्टीशन ये देखे ना, इस रूम की और साथ में दूसरे रूम की जो पार्टीशन है वो ये लकड़ी के फट्टे लगे हुए हैं, इनसे हुई है। छत वही एक ही चलती आ रही है,
इस छत को मैं ऊपर वाले घर में जाके आपको क्लियर करके दिखाऊंगा, शायद यहाँ पे उस तरह से नजर ना आ रही हो। चलो जी ये चेक करें जी, दरवाजा खिड़की तो मैंने आपको दिखाई दी, दरवाजे भी लकड़ी के बने हुए हैं पुराने, और माशाल्लाह इनकी डिजाइनिंग भी चेक करें। ये सारा सिस्टम निजाम हाथ से भाई पुराने जमाने में आज से 40 साल पहले ये चीजें डिजाइन की गई थी। सो भाई इन कच्चे घरों के किचन जो होते हैं उनमें अंगीठियां लगी होती हैं इस तरह की, मतलब हमारे चूल्हे हैं वो इस तरह के होते हैं। भाई देखें आग चल रही है, इधर कोई धुआं नहीं है और यहाँ पे कुकिंग होती है सारी की सारी। फिर यहाँ से कुक करके उधर साइड पे रख दें, वो चीज़ गर्म रहेगी, वो भी समझ लें इसके साइड के चूल्हे ही हैं। और बड़ा एक पुरसकून और बड़ा फिट फाट सिस्टम है इसका। अभी मैं आपको करवाता हूँ इस घर का टूर भाई। ये घर चेक करें आप माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रौनकीला घर है भाई ये। अब जो मैं नीचे आपको दिखा रहा था छत, तो छत पे भाई पहले डालते हैं ये, सबसे पहले ये मेन लकड़, ठीक है। सबसे पहले तो ये आ गया ना पिलर, पिलर के ऊपर आती है ये मेन लकड़, उसके ऊपर वो वाली लकड़, उसके ऊपर वो लकड़ लगी होती है, और फिर उसके ऊपर डालते हैं भाई इस तरह से मट्टी, ठीक है। ये चेक करें, ये देखें लकड़ आ गई, इसके ऊपर फिर लकड़, उसके ऊपर वो उस तरह की लकड़, और उसके ऊपर ये तार होता है इधर, वो डाल के फिर उसके ऊपर डालते हैं मट्टी। तो ये हो जाता है भाई घर हमारा पूरा का पूरा वाटरप्रूफ और स्नो प्रूफ घर। अभी आपको इस घर का मैं टूर करवाता हूँ अंदर से। मैं आपको वो कह रहा था नीचे के एक चीज़ जो उन्होंने लकड़ी उठा के रखी थी, वो लकड़ी भी मैं आपको दिखाता हूँ, इस घर के अंदर ही लगी हुई है। हाँ जी, तो सीन ये है कि अभी वो जो निचला घर था उसके मैं छत पे खड़ा हूँ, ठीक है। उसके छत पे खड़ा हूँ, वो उसका किचन है, वहाँ से धुआं निकल रहा है आपको नज़र आ रहा होगा, ये उस घर का छत है। अभी चलते हैं आपको इस घर का टूर करवाते हैं। सबसे पहले इधर ले अनिल भाई, ये रूम है जो कि फुल बाय फुल लकड़ी का बना हुआ है। इसकी दीवारें भी लकड़ी की हैं, ये दीवार भी लकड़ी की है, ये भी लकड़ी की है, दूसरी तरफ भी दीवार लकड़ी की है। और ये है सिंपल सा एक स्टोर रूम, इसमें इन्होंने ना अपने जानवरों के लिए भूसा शूसा जो है वो स्टॉक करके रखा हुआ अंदर। अनिल भाई अंदर दिखाएंगे कैमरा में, हाँ ये भाई जानवरों शानवरों का भूसा शूसा अभी रखा हुआ है वक्ती तौर पर इस रूम के अंदर। बाकी आपको दूसरा रूम भी दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। ये दरवाजे चेक करें पुराने बने हुए, ये खुल गया भाई, एक मिनट अनिल भाई देखे मुझे, इसकी विंडोज नहीं, इसकी विंडो नहीं ओपन होती। ये भी एक रूम है, सिंपल सा रूम है, और ये वो लकड़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये लकड़ भाई ये यहां से स्टार्ट होती है और वो उधर आगे तक जाती है, और ये यही इसका साइज है, ठीक है, यही इसका साइज है, यहां तक नहीं जाती ये। अनिल भाई इधर ले, ये लकड़ सिर्फ यहां तक नहीं जाती बल्कि ये 36 फीट लंबी है, ठीक है, 36 फीट लंबी है। तो जब इन लोगों ने इस लकड़ को यहां पे रखा था तब जो है ये लकड़ जो है ना कितनी वजनी हुई होगी, अभी तो ये खुश्क हो रही है। वो कह रहे हैं कि उस वक्त ये मुकम्मल खुश्क भी नहीं थी जब हमने उठा के देखा, 25 आदमी होके उन्होंने इस लकड़ को उठा के इस घर की छत पे रखा था। ये एक लकड़ नहीं है, एक यहां पे है, एक ये रखी हुई है, एक उस तरफ रखी हुई है, और एक जो है वो मेन रखी हुई है आगे, तीन लकड़ है, ठीक है। अभी चलता हूं मैं आपको बाकी दिखाता हूं। एक ये लकड़ है, ये चक्कर है ऊपर ये वाली भी, लेकिन ये थोड़ी हल्की है, जो सेंटर में रखते हैं ना वो सबसे ज्यादा आवाज नहीं होती है। रूम नंबर टू, सारे रूम बेसिकली बेडरूम एक ही तरह के हैं। ये हो गया जी रूम नंबर टू का टूर। अभी असल में ये भी खाली पड़ा है, इधर भी कोई नहीं रहता, और ये वो लकड़ है दूसरे वाली, मतलब वही लकड़ जो मैंने आपको उधर से दिखाई है ना वही यहाँ से होती हुई आगे जाती है। और यकीन जाने इस कमरे को मैंने खोला ना तो मुझे जो लकड़ी की खुशबू आई है ना भाई, इस लकड़ी की जो खुशबू है और जो इतना मजे का था माहौल है ना, अनबिलीवेबल, बहुत मजे का। और पार्टीशन इधर भी लकड़ी की हुई है साथ दूसरे रूम की। इसको वापस करते हैं बंद। चालीस साल पुराने बने हुए भाई मटेरियल का। पिलर चेक करें ना, ये चेक करें पिलर, ये हैं पिलर पुराने लकड़ी के पिलर भाई। तो ये खूबसूरत सा घर है, इसके साथ एक और रूम है, एक इधर है नील भाई, एक चीज और इधर है, इधर ये चेक करें भाई अलमारी। पुराने जमाने में अलमारियां जो है वो इस तरह की होती थी, सिंपल सी अलमारी लकड़ी की बना देते थे, आजकल वो प्लाईवुड में आती है, तो पुरानी अलमारी इस तरह की होती थी, इसको ताक भी कहते थे आई थिंक सो। एक और चीज है वो भी आपको दिखाता हूँ अभी, आ जाए, ये चेक करें जी ये क्या चीज है।
ये क्या चीज़ है, गैस करें, ये क्या चीज़ है ये भाई? मुझे इधर बच्चों ने बताया ये है चपेड़ दो। इससे ये क्या करते हैं, ये जो मट्टी है ना इसको ऐसे मार के वो जो है प्रेस करते हैं। हमें कोई तरीका शरीका इसका खास पता नहीं है, तो लिहाजा ये ना हम मारे हमें कि भाई ये क्या कर रहे हैं, तो हमें इसकी टेक्निक का नहीं पता, लेकिन इसको कहते हैं चपेड़। इसको वापस अपनी मकाम पे रख देते हैं, अपनी जगह पे रख देते हैं। ये है भाई एक फिस्टर निज़ाम बाद देसी सा माहौल इस इलाके का। बाकी अभी जो नए घर बन रहे हैं थोड़े से, मतलब आप डेट कह सकते हैं हम उनको, वो ये बन रहे हैं। ये चादर की छतें होती हैं। ये जो घर है ना ये ठंडे होते हैं, और इनमें जो है भाई वो उस तरह का सिस्टम निज़ाम नहीं होता, और उसकी निस्बत में ये जो घर है ना ये दूसरे कच्चे घर फुल ब फुल जो कच्चे घर है ना, इनमें बंदा रहता है भाई पुरसकून ना, बाहर आपको कोई साउंड आएगा यकीन जाने। रात को हम इधर सोए हुए थे तो इतनी खामोशी थी, इतनी खामोशी थी ना कि हमारे कान तरस रहे थे कि कोई तो आवाज़ आ जाए भाई, बिल्कुल सन्नाटा जा जाता है इन घरों में। और खास करके एरिया भी कुछ इस तरह से है कि इस एरिए का मतलब माहौल ही इस तरह का है ना, मतलब कोई इतनी रश खप नहीं होती यहाँ पे। और वो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, वो भी चेक करें माशाल्लाह, वो सामने एरिया बड़ा खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। तो होप्स हो कि आपको ये मिट्टी का बना हुआ घर पसंद आया होगा, और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।